दोस्तों मेरा नाम मनोज है और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का पार्ट टू। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके पार्ट टू की, जो हमने कल अधूरा छोड़ा था। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हमारे जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। तो देखिए ये होते क्या है, समझते हैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में। जैसे मान लीजिए हमारे ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा होता है z एक्सिस, जो कि 3D में होता है। हम इसको नहीं बना सकते कॉपी पर। x के अलोंग जो वेक्टर हमारा होता है, यानी x को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर का हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है i कैप। ये होता है यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मॉडुलस या इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। बाय को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा जे कैप, और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वेक्टर का यूज़ करते हैं वो हमारा होता है के कैप। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट इनका कैसे होता है उसको समझेंगे। तो पहला हमारा होता है सेल्फ प्रोडक्ट, हमारा सेल्फ प्रोडक्ट ये क्या होता है इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर हमारा ए है, यदि हम इसका इसी में मल्टीप्लाई करें तो वो कहलाएगा हमारा सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कि सेल्फ का मतलब उसका उसी में अपने आप में। तो मान लीजिए हमें करना है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो हमारा क्या होगा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर और कॉस थीटा। थीटा यानी कि ए और ए के बीच का एंगल। तो देखिए ए का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर एंगल उसके बीच में होगा हमेशा जीरो। मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए यानी कि मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और कॉस जीरो यानी कि वन, तो हमारा निकला मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। ये निकला हमारा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आंसर, हमने किया सेल्फ प्रोडक्ट। इसी प्रकार हम करेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप का सेल्फ प्रोडक्ट। तो देखिए समझते हैं इसको। तो हम लेते हैं पहला हमारा लेते हैं आई कैप, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा हमारा मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ आई कैप और कॉस जीरो, क्योंकि उसका उसी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मॉड ऑफ आई यानी कि वन, क्यों, क्योंकि आई हमारा है यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा वन होता है। तो मॉड ऑफ आई वन, मॉड ऑफ आई भी वन और कॉस जीरो यानी कि वन, तो हमारा आंसर निकला वन। यानी आई का आई में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया वो आया हमारा वन। इसी प्रकार हमारा जे का जे में मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर वन आएगा, यानी और यदि हम तीसरा के का के में मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर हमारा वन आएगा। यानी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट हमेशा वन होता है, यानी कि आई का आई मल्टीप्लाई करने पर यानी कि डॉट प्रोडक्ट करने पर वन आएगा, जे का जे में डॉट करने पर वन आएगा और के का के में डॉट करने पर वन आएगा। अब देखते हैं हम कि यदि हम आई का जे में या के मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा हमारा। तो समझते हैं इसको। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है आई कैप डॉट जे कैप, इसका क्या होगा हमारा आई कैप मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप और कॉस। अब देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस यानी कि ये हमारा हो गया आई कैप, और ये हमारा हो गया बाई एक्सिस, ये हमारा हो गया जे कैप, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस यानी कि के कैप। अब देखिए कॉस आई और जे के बीच का एंगल कितना है हमारा, ये रहा हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ लेंगे कॉस 90, कॉस 90 कितना होता हमारा जीरो, आंसर आएगा हमारा जीरो, यानी कि आई कैप डॉट जे कैप निकला हमारा जीरो।
सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि j कैप डॉट k कैप इक्वल्स टू जीरो, और हम ये भी देख सकते हैं कि k कैप डॉट i कैप इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि यदि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी कि i का j में, j का k में, k का i में, तो हमेशा इनका प्रोडक्ट जीरो निकलता है। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे काम का है। i डॉट j इक्वल्स टू जीरो, j डॉट k इक्वल्स टू जीरो और k डॉट i इक्वल्स टू जीरो, और हमारा निकला था, बोलो, तो हमारा जो रिजल्ट है i डॉट i इक्वल्स टू वन, j डॉट j इक्वल्स टू वन और k डॉट k इक्वल्स टू वन, ये बहुत ही काम का रिजल्ट है, हम इसका आगे यूज करेंगे। तो चलिए खत्म करते हैं इस पार्ट को, अगला पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।